हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, खैरियत होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज की रेसिपी जो मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक थाली की रेसिपी, और इस थाली में परोसे जाएंगे आपको कई सारे डिशेस, और हर एक डिश अपने आप में बहुत ही अमेजिंग सी है, बहुत ही डिलीशियस सी है, बहुत ही झटपट सी बन जाएगी, और बहुत ही अनोखी रेसिपीज़ मैं आप लोगों की लेकर आई हूँ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो होगी तो थोड़ी सी लंबी, लेकिन होगी बहुत अच्छी, तो बने रहेंगे वीडियो के एंड तक। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए फटाफट से इस थाली की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे चावल। यहाँ मैंने एक पॉट में डाला है 3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, और यहाँ देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी तेज़पात, ये मैंने 3 तेज़पात लिए हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पर डालूँगी 4 लौंग, 3 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, और यहाँ पर मैंने डाला है 1/2 टेबल स्पून ऑफ ज़ीरा। इन सबको हम थोड़ा सा स्प्लटर होने देंगे, थोड़ा सा इसे कड़कने देंगे जब तक इसके ऊपर हल्का सा कलर नहीं आ जाता। यहाँ देखिए इसके ऊपर हल्का सा कलर आ गया है। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी फ्रोज़न मटर, ये मैंने 1/2 कप फ्रोज़न मटर लिया है। इसे हम हल्का सा 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, और यहाँ देखिए ये हो चुका है। अब मैं डालूंगी इसमें चावल। यहाँ मैंने 200 ग्राम चावल लिया है जिसे मैंने 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, फिर इसे मैंने वॉश करके इस तरह से छन्नी में छान लिया है, सारा पानी निकल गया इससे। अब मैं ये डाल दूंगी और इसे मैं लगभग 2 मिनट के लिए इसी तरह से फ्राई करूंगी चावलों को। 2 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर मैं डालूंगी पानी। यहाँ मैंने पानी डाला है 3 कप, और इसके साथ ही मैं यहाँ पर डाल दूंगी सॉल्ट, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, और यहाँ पर मैं लिड लगा करके इसे 15 से 16 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम पर पकने दूंगी, जब तक कि चावल हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। 15 से 16 मिनट हो चुके हैं, अब चलिए एक बार इसे चेक कर लेते हैं लिड हटा करके। और यहाँ देखिए ये कितने अच्छे से पक चुका है, सारा चावल का पानी जो था वो सारा ड्राई आउट हो चुका है। और यहाँ पर मैं चावल को एक बार चेक कर लेती हूँ, और यहाँ ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए हमारे चावल बनकर पूरी तरह से रेडी हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बनाऊँगी दाल। यहाँ पर मैंने एक कुकर को रख दिया है, इसमें मैं डालूँगी 3 कप पानी, और यहाँ देखिए पानी ये अच्छे से गर्म हो चुका है। मैंने लिया है यहाँ पर 1/2 कप दाल, ये तुअर की दाल है, अरहर की दाल है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लिया है। इसे मैं डाल दूंगी, और इसके साथ ही मैं यहाँ पर ऐड करूँगी सॉल्ट, ये लिया है मैंने 1 टीस्पून, और हम ऐड करेंगे हल्दी का पाउडर, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और यहाँ इसे लिड लगा करके हम 2 से 3 विसल आने तक इसे पकाएंगे। 3 विसल हो चुके हैं, चलिए लिड को ओपन करके एक बार दाल को चेक कर लेते हैं। और यहाँ देखिए ये दाल हमारा अच्छे से पक चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पर लगाएंगे दाल में एक तड़का। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। ऑयल देखिए यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब मैं डालूंगी इसमें सरसों, ये मैंने लिया 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून, और यहाँ पर मैंने 3 साबित लाल मिर्चें ली हैं। इन सबको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लहसुन चॉप किए हुए 1 टेबल स्पून, अदरक चॉप किए हुए 1 टेबल स्पून, और इन सबको हमें अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि अदरक और लहसुन के ऊपर हल्का सा कलर नहीं आ जाता। साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हींग 1/2 टीस्पून। इन सबको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से, और यहाँ देखिए कुछ देर फ्राई करने के बाद में इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ गया। मैं डाल रही हूँ अनियन, ये मैंने चॉप करके लिया है एक बड़े साइज़ का। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्राई करेंगे जब तक कि इसके ऊपर हल्का सा कलर नहीं आ जाता। और यहाँ देखिए अनियन के ऊपर अच्छा सा कलर आ गया। मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, कश्मीरी चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और इन सबको हम अच्छे से फ्राई करेंगे 30 सेकंड्स के लिए लो फ्लेम पर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड करूँगी टोमेटो चॉप किए हुए, ये मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लेके इस तरह से चॉप कर लिया था, और इसे भी हम मसाले के साथ में फ्राई करेंगे जब तक के टमाटर अच्छे से मैश नहीं हो जाता मसालों के साथ। और यहाँ देख सकते हैं आप टमाटर अच्छे से मैश हो गया है, पूरे अच्छे से मसाले में मिल चुका है। अब मैं यहाँ पर डालूंगी दाल जो हमने बॉईल करके रखे थे,
और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ देखिए ये हमारी दाल बनकर रेडी है। चलिए इसे अभी साइड पर रखते हैं। और चूँकि यहाँ पर हमारी जो दाल बन रही है वो बहुत ही डिफरेंट से टेस्ट वाली और बहुत ही अमेजिंग सी बन रही है, तो यहाँ पर मैंने एक दो कोयले को इस तरह से गैस के ऊपर सुलगने के लिए रख दिया है। और जब तक कि ये सुलगता है मैं यहाँ पर दाल में देखिए इस तरह से कटोरी रख दिया है मैंने बीच में। इस तरह से आप तैयारी पहले से करके रख लें। इसका आपका क्या यूज़ है, मैं क्या करूँगी, मैं आपको आगे बताती हूँ। और यहाँ देखिए ये कोयला अच्छे से सुलग गया है, मैं इस तरह से बीच में इसमें कटोरी में डाल रही हूँ। और इसके ऊपर मैं डालूंगी एक साबित मिर्च को इस तरह से तोड़ के मैंने डाल दिया है। यहाँ पर मैंने डाला है जीरा हाफ टी स्पून, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मेथी दाना हाफ टी स्पून, और मैं डाल रही हूँ चार लौंग, और यहाँ पर मैंने लिया हींग हाफ टी स्पून, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ घी हाफ टी स्पून। और इसे आप कोयले के ऊपर ही डालेंगे। देखिए कोयले को मैंने इसे इस तरह से लिया, देखिए कितने अच्छे से धुआं आने लगा है। बस उसी वक्त हमें इस तरह से ढक्कन जल्दी से ढक देना है, और सारा जो धुआं है वो दाल के अंदर ही रहना चाहिए। जितने अच्छे से आप कवर कर पाएँ आप कर दीजिए। जब तक कि ये सेटल डाउन नहीं हो जाता धुआं, हमें इसे ओपन नहीं करना है। तो इसे इसी तरह से मैं 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 10 मिनट बाद यहाँ देखिए सारा धुआं अच्छे से सेटल डाउन हो चुका है। अब मैं चलिए लिड को ओपन कर लेती हूँ, और यहाँ पर जो कटोरे हैं इसे हमें हटा कर देना है दाल पर से, और यहाँ पर इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये दाल हमारी बनकर रेडी हो गई है। इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे चॉप कोरिएंडर से, और ये बहुत ही डिलीशियस सी बनती है दाल, ज़रूर ट्राई करेंगे आप। नेक्स्ट हम यहाँ पर बनाएंगे एक अमेजिंग सी पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 200 ग्राम पनीर लिया जिसे इस तरह से मैंने रेक्टेंगल शेप में और लंबाई में कट कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिसे इस तरह से मैंने छोटे छोटे डाइसेस में कट कर लिया है। 2 बड़े साइज़ का अनियन लिया था जिसे इस तरह से मैंने थिन स्लाइसेज में कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के कैप्सिकम लिए हैं जिसे इस तरह से मैंने थिन स्लाइसेज में कट कर लिया है। ये सारी सब्ज़ी मैंने पहले से ही कट करके रखी है, तो यह पहले से कट करके रखी है। और यहाँ पर अब हम बनाएंगे एक मसाला। एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था, पैन गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया, ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, जीरा 1 टेबल स्पून, और यहां पर मैंने लिया है 5 लाल मिर्चों को इस तरह से 5 से 6 मैंने लिए हैं। और इसे हम अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि इसके ऊपर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता और इससे खुशबू नहीं आने लगती। और यहाँ देखिए इसके ऊपर अच्छा सा कलर भी आ गया और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने गैस को बंद कर दिया, इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए साइड पर रख देते हैं। और यहाँ देखिए ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। मैं इसे एक मिक्सी के जार में डालूंगी और इसका हम एक कोर्स सा पाउडर बना लेंगे, दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। और यहाँ देखिए इसका एक अच्छा सा मैंने दरदरा सा पाउडर बना लिया, अभी इसे साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था, इसमें मैंने डाला है लगभग 1/2 कप ऑयल। और यहाँ पर हम इस ऑयल में पनीर को फ्राई करेंगे, तो मैं पनीर को रख देती हूँ इसमें और इसे हमें हल्का सा कलर आने तक फ्राई करके फिर निकाल लेना है। पनीर फ्राई हो चुके हैं और मैंने सारा ऑयल निकाल दिया है, सिर्फ इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून ऑयल रख छोड़ा है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी अनियन जो मैंने थिन स्लाइस करके रखे थे, और इसके साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कैप्सिकम जो हमने स्लाइस करके रखे थे। इन दोनों को हमें थोड़े देर के लिए फ्राई करना है जब तक कि ये थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते। और यहाँ देखिए ये थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर जो हमने कट करके रखे थे, और इसे भी हमें लगभग 1 मिनट के लिए पकाना है हाई फ्लेम पे जब तक कि इसका थोड़ा सा पानी ड्राई आउट नहीं हो जाता। और यहाँ देखिए ये इसका पानी सारा ड्राई आउट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी पनीर जो हमने फ्राई करके रखे थे, और इस पनीर के साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी मसाला जो हमने बना कर रखा था, वो सारा मसाला हमने इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कश्मीरी चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून, सॉल्ट मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून, और इन सबको हम अच्छे से फ्राई करेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। एक मिनट के लिए मैंने यहां पर फ्राई किया है। यहां पर मैं डाल रही हूं 1 टेबल स्पून ऑफ चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, और अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर लेड लगा लूँगी और इसे लगभग 2 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे जब तक कि मसाले और सारे सब्जियाँ एक दूसरे के साथ अच्छे से पक ना जाए। और यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, मैं लेड को हटा करके एक बार अच्छे से चेक कर लेती हूँ। और बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आ रही थी इस सब्ज़ी की, इसे मैं अच्छे से पहले मिक्स कर दूँगी।
और अब मैं यहाँ पर डालूंगी लेमन जूस 1 टेबल स्पून, और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है सारी सब्जी में, और इसे फ्राई करते रहना है जब तक कि ये सारा मॉइस्चर इसे अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तो एक मिनट के लिए मैं इसे इस तरह से फ्राई कर लूँगी, और यहाँ देखिए एक मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स 1 टेबल स्पून, और इसी के साथ ये हमारी सब्जी बनकर कंप्लीट हो गई है। और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डिलीशियस सी सब्जी बनती है ये, और ये आप ज़रूर ट्राई करेंगे। और जी नेक्स्ट हम यहाँ पर बनाएंगे एक बहुत ही अमेजिंग सी भरवा भिंडी की रेसिपी। तो यहाँ पर इस रेसिपी के लिए मुझे छोटे छोटे साइज़ के मुझे भिंडी चाहिए, और बहुत ही नरम और मुलायम वाली भिंडी आप लेंगे। इसे मैंने पहले से वॉश कर लिया था, अब इसके दोनों साइड को मैं एंड को काट करके अलग कर लूँगी, और यहाँ पर हम बीच में इस तरह से स्लिट करेंगे और उसे ओपन करके चेक कर लेंगे कि भिंडी हमारी ख़राब ना हो। ये देखिए ये मैंने चेक कर लिया, और दूसरा भी मैं आपको क्लोज लुक करके दिखाती हूँ एक बार। इसी तरह से मैंने सारी भिंडी को कट करके रेडी कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। अभी इसे साइड पर रख देते हैं हम, और नेक्स्ट हम यहाँ पर बनाएंगे इसके अंदर स्टफ करने के लिए एक मसाला। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 टेबल स्पून बेसन, और इसके साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/2 टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर 1 टी स्पून, और मैं यहाँ पर ले रही हूँ रेड चिली पाउडर 1/2 टी स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टी स्पून, आमचूर पाउडर में लिया है मैंने 1/2 टी स्पून, और यहाँ पर मैंने लिया है सॉल्ट 1/2 टी स्पून, और यहाँ पर मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैंने लिया है 1/2 टी स्पून, यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल 1 टी स्पून, और इन सब को हम अच्छे से अपने हाथों की मदद से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ देखिए ये हमारे स्टफिंग का मसाला बनकर रेडी हो गया है। और यहाँ पर मैंने भिंडी को इस तरह से ले लिया है, और इसके जो बीच में मैंने स्लिट किया था ना, इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे, और इसके बीच में हमें अच्छे से इस मसाले को स्टफ कर देना है। और यहाँ देखिए मैंने इस तरह से एक रेडी कर लिया है, चलिए दूसरा भी फिल कर लेते हैं, स्टफ कर लेते हैं। और इसी तरह से मैं सारी भिंडी को स्टफ कर लूंगी, और यहाँ देखिए मैंने सारा भिंडी स्टफ कर लिया है, और ये मसाला हमारा यहाँ पर बच गया है, ये हमारा आगे यूज़ होगा। अभी चलिए इसे साइड पर रख देते हैं। और यहाँ पर एक पैन में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, और यहाँ देखिए ऑयल को हम चारों ओर फैला देंगे अच्छे से, और ऑयल अब गर्म हो चुका है हमारा। इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा 1 टी स्पून, और इसके साथ ही मैं यहाँ पर डालूँ 1 टी स्पून अजवाइन। इन सबको हमें अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करना है, स्प्लटर करना है थोड़ा सा। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हींग, ये मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। इन सब को हम अच्छे से फ्राई करेंगे, मिक्स कर देंगे। और अब मैं यहाँ पर डालूंगी भिंडी जो हमने स्टफ करके रखी थी, इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे पहले, और एक मिनट के लिए इसी तरह से फ्राई करेंगे। एक मिनट हो गया है, अब चलिए यहाँ पर मैं लेड लगा लूँगी, और फ्लेम को मैं बिल्कुल स्लो कर दूँगी, लो फ्लेम कर दूँगी, और इसे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से मैं पकने दूँगी, जब तक कि भिंडी थोड़ा से अच्छे से पक नहीं जाते मसालों के साथ में, और बीच बीच में मैं इस तरह से इसे स्टर भी करती रहूँगी। 3 मिनट हो चुके हैं, मैं लेड को हटा लेती हूँ, एक बार चेक कर लेती हूँ इसे, और यहाँ पर मैं इसे अच्छे से पहले मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पर अब मैं डालूंगी वो जो बचे हुए मसाले स्टफिंग के थे ना, वो मैं सारा इसमें ऐड कर दूंगी, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसे इसी तरह से फ्राई करेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। और यहाँ देखिए ये सब्जी हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब चलिए यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है, इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और ये बहुत ही कम ऑयल में बन जाने वाली बहुत ही डिलीशियस सी सब्जी होती है, तो आप बनाएंगे ज़रूर। नेक्स्ट यहाँ पर हम बनाएंगे एक और अमेजिंग सी सब्जी, परवल की सब्जी। तो यहाँ पर देखिए मैंने परवल के दोनों एंड को इस तरह से पहले कट कर लेना है, और इसे इस तरह से स्क्रेप करना है, हमें स्किन पूरा नहीं निकालना है, सिर्फ इसे इस तरह से स्क्रेप करना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छे से छील लिया है, अब यहाँ पर इसे अच्छे से वॉश भी कर लिया है। अब इसे वॉश करने के बाद में मैं एक परवल को लूँगी, और इसे इस तरह से बीच से हम हाफ करेंगे, और यहाँ बीच में जितने भी इसके जो गुदे होते हैं ना, जो सीड्स वाले पार्ट होते हैं, वो सारा हमें निकाल देना है अच्छे से, और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में कट कर देना है।
और इसी तरह से मैं सारे परवल को कट कर लूंगी। और यहाँ देखिए मैंने परवल को कट कर लिया है, अब चलिए आलू को भी कट कर लेते हैं। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिसे मैं सेम उसी साइज का मैं छोटा छोटा कट कर लूंगी। और यहाँ आलू और परवल हमारे कट कर रेडी हो गए हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर फ्राई करेंगे परवल। यहाँ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे परवल, इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पर डालूंगी सॉल्ट, ये मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट लिया है। और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि परवल सॉफ्ट नहीं हो जाते और इसके ऊपर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। और यहाँ देखिए ये परवल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और इसके ऊपर कलर भी आ गया है। अब मैं इसे निकाल लूंगी और अब इसी ऑयल में हम फ्राई करेंगे आलू। और यहाँ परवल देखिए मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। और इसे भी हम आलू को भी फ्राई कर लेंगे जब तक कि आलू पक नहीं जाते, सॉफ्ट नहीं हो जाते और इसके ऊपर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। और यहाँ देखिए आलू के ऊपर अच्छा सा कलर आ गया और सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूंगी और यहाँ देखिए ये आलू और परवल दोनों हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। इसे साइड पे रखते हैं और मैंने सारा ऑयल निकाल दिया है। इसमें सिर्फ मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल रख छोड़ा है। अब मैं इसमें डालूंगी अनियन, ये मैंने 1 मीडियम साइज का अनियन लिया था, जिसे इस तरह से मैंने फाइन चॉप कर लिया है। और इसे भी हमें फ्राई करना है थोड़ी देर के लिए जब तक कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाते। और यहाँ देखिए इसके ऊपर हल्का सा कलर भी आ गया, ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं। मैं डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज का टमाटर, जिसे इस तरह से मैंने चॉप करके ले लिया था। इसे भी हमें थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है अनियन के साथ। अब यहाँ देखिए टोमेटो अच्छे से मैश हो चुके हैं, पक चुके हैं। अब मैं डालूंगी क्यूमिन पाउडर 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, कश्मीरी चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। और यहाँ पर ले रही हूँ मैं गरम मसाला 1/2 टीस्पून, सौंफ का पाउडर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 मिनट के लिए इस मसाले को हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। 1 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी परवल और आलू जो मैंने फ्राई करके रखे थे। इन सब को हम अच्छे से मसालों के साथ फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ किचन किंग मसाला, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर 1 टीस्पून। इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब मैं यहाँ पर लिड लगा करके इसे 2 मिनट के लिए पकाऊंगी लो फ्लेम पर, ताकि मसाले का सारा फ्लेवर परवल आलू में अच्छे से आ जाए। और यहाँ पर देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं लिड हटा करके एक बार चेक कर लेती हूँ और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। और यहाँ पर मैं लूंगी बेसन 1 टेबल स्पून। इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे इसी तरह से 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पर एंड में मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है। चलिए इसे 1 प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे साइड पे रख लेते हैं। और थाली डिज़र्ट के बिना तो बहुत ही अधूरा सा लगता है। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं लौकी का हलवा। तो यहाँ देखिए मैंने बहुत ही सॉफ्ट सा लौकी लिया है इस तरह से, और इसे हम सबसे पहले पील कर लेंगे और इसके हम बीज सारे निकाल लेंगे बीज से। और इस तरह से देखिए मैंने सारे इसके बीज निकाल लिए हैं। और इसी के बीच मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है, इसे हम उबलने के लिए रख देते हैं जब तक ये रिड्यूस होकर हाफ नहीं हो जाता। और यहाँ देखिए ये लौकी को मैंने वॉश करके ले लिया है, इसे हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। और यहाँ देखिए मैंने सारी लौकी को इस तरह से ग्रेट कर लिया है। अभी इसे साइड पे रख देते हैं। और यहाँ देखिए मैंने एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ घी, और घी ही आप लेंगे, घी से अच्छा स्वाद आता है। यहाँ घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी ग्रेट किए हुए लौकी जो हमने डाले थे, और इसे हमें फ्राई करना है जब तक कि इसमें से सारा मॉइस्चर ड्राई नहीं हो जाता।
और यहाँ देखिए इसका मॉइस्चर काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, ऑलमोस्ट 90% ड्राई हो चुका है। मैं इस तरह से इसे साइड पे लगा लूँगी और बीच में इस तरह से जगह बना लूँगी। इसके बीच में मैं डालूँगी 1/2 टेबल स्पून ऑफ घी। घी देखिए मेल्ट हो चुका है। मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑफ चॉप्ड पिस्ताचियो, 2 टेबल स्पून ऑफ चॉप्ड आलमंड, और यहाँ पर मैंने लिया कैश्यू 2 टेबल स्पून चॉप किए हुए। और इन सब को हमें इसी के बीच में इस तरह से फ्राई कर लेना है थोड़ी देर के लिए, लगभग 1 मिनट के लिए। और यहाँ देखिए ये सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैं इसे लौकी में अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे 1 से 2 मिनट के लिए और हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ लौकी का सारा मॉइस्चर अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पर ये रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया, अभी इसे साइड पर रखते हैं। और यहाँ पर जो मैंने दूध को उबलने के लिए रखा था, ये देखिए ये रिड्यूस होके हाफ हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसी स्टेज पर ऐड करूँगी लौकी जो हमने फ्राई करके रखे थे, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें और इसे पकाएंगे जब तक कि ये रिड्यूस हो करके और हाफ नहीं हो जाता। और यहाँ देखिए इसे पकाते पकाते ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसी स्टेज पर ऐड करूँगी इलायची का पाउडर, ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मावा, ये मैंने 50 ग्राम लिया है मावा। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। और यहाँ पर इसी स्टेज पर मैं डाल दूंगी शुगर, ये मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ ग्रीन फूड कलर, ये मैंने 4 से 5 ड्रॉप सिर्फ ऐड करना है। और ये पूरा ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें चाहे तो स्किप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हल्का सा अच्छा सा कलर डालने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लूँगी जब तक कि ये और अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता और साइड को छोड़ना स्टार्ट नहीं कर देता। और यहाँ देखिए ये हलवा अच्छे से साइड को छोड़ना स्टार्ट कर चुका है। और यहाँ पर ये हमारा हलवा अच्छे से बनकर रेडी हो गया। मैंने गैस को बंद कर दिया, इसे हम सर्व कर देंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आलमंड और पिस्ताचियो और कैश्यू सारे चॉप्ड नट्स जो भी हमारे पास हैं उसे मैं इस तरह से गार्निश कर दूँगी और ये हमारा डिलीशियस सा हलवा बनकर रेडी है। अब जी एंड में हम यहाँ पर बनाएंगे पराठा। यहाँ पर मैं गार्लिक का लच्छा पराठा बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, इसे हम गेहूं के आटे में बनाएंगे। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस होने वाला है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून से भी कम, लगभग 1/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है यहाँ पर। यहाँ पर मैं ले रही हूँ शुगर 1 टीस्पून और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अजवाइन। इसे आप इस तरह से अपने हाथ पर ले करके इसे अच्छे से क्रश करके डालें, इससे फ्लेवर थोड़ा और अच्छा उभर कर आता है। ये मैंने लिया 1 टीस्पून और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 टेबल स्पून ऑयल और इसे हम अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे, मोइंड कर लगा लेंगे इसमें अच्छे से आटे में। अब यहाँ देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बना लूँगी और ये हमारा डो बनकर रेडी हो गया है। अब चलिए इसे रेस्ट पे छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ पर देखिए ये डो रेस्ट पे हो गया है। अब मैं चलिए इसे इस तरह से रोल कर लूँगी और इसके पेड़े बना लूँगी। और यहाँ देखिए मैंने इसके 5 पेड़े बना लिए हैं इतने आटे में से। अब मैं इसके रोटियाँ बेलना स्टार्ट करती हूँ, पराठे बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरह से आप सूखे मैदे से इस तरह से डस्ट करके इसकी सबसे पहले एक गोल रोटी बना लें। और यहाँ देखिए मैंने रोटी अच्छे से बेल ली है। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी ऑयल और ऑयल आप बहुत ही अच्छे से अप्लाई करेंगे ताकि इसके जो लेयर्स होते हैं ना, ये जितने अच्छे से हम ऑयल अप्लाई करेंगे उतने अच्छे से इसके लेयर्स निकलेंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से ऑयल को अप्लाई कर लिया है पूरी रोटी पर। अब हम इसके ऊपर डस्ट करेंगे मैदा, सूखा मैदा हमें डस्ट करना है और ये हमें बहुत ही अच्छे से इसके डस्ट करना है ताकि इसके जो लेयर्स हैं वो सारे परत बाय परत ये बहुत ही अच्छे से निकलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से मैदे को डस्ट कर लिया है। अब हम रेडियस से इस से काट लेंगे रोटी को और इस तरह से हमें कोन लग करते हुए इसे कोन शेप में हमें इस तरह से रोल करना है पूरी रोटी को, जैसा मैं कर रही हूं आप देखिए।
और यहाँ देखिए मैंने इसका एक कोन रेडी कर लिया है, और ये जो पॉइंटेड पार्ट है ना, ये हमें नीचे काउंटर के पार्ट पे रखना है, और इसे इस तरह से बीच में हम फिंगर डालते हुए, इसे प्रेस करते हुए हम ओपन कर लेंगे, जैसा मैं कर रही हूँ। आप बिल्कुल वैसा देखिए ध्यान से, ये देखिए मैं इस तरह से ओपन करके इसे बीच में प्रेस करके इसका एक पेड़ा बना लूँगी, और ये हमारा लच्छा पराठा का एक पेड़ा बनकर रेडी है। इसके ऊपर मैं लगा लूँगी चॉप्ड गार्लिक, क्योंकि हम गार्लिक लच्छा पराठा बना रहे हैं, और इसके ऊपर मैं लगा लूंगी चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स थोड़ा सा, और अब थोड़ा सा सूखा मैदा इस तरह से डस्ट करते हुए मैं इसे एक पराठा बेल लूंगी। और यहां देखिए ये हमारा पराठा बेलकर रेडी है। अब चलिए इसे सेक लेते हैं। मैंने एक तवा को गर्म होने के पहले से रख दिया था, तवा गर्म हो चुका है, मैं इसके ऊपर डालूंगी पराठा जो हमने बेल कर रखा है, और इसे एक साइड से होने से फिर हम दूसरी साइड पे पलट लेंगे। और यहाँ देखिए मैंने इसे इस तरह से पलट लिया है, अभी उसके दूसरे साइड से भी उसे पकने देते हैं। और इस साइड पे मैं अप्लाई करूँगी थोड़ा सा घी, और यहाँ पर भी मैं देखिए इस तरह से पलट लिया है, और इसे मैंने इस तरह से घी लगा लिया है, और दोनों साइड से अच्छे से कलर आते तक हमें इसे पकाना है, और फिर मैं इसे निकाल लूँगी। और ये देखिए ये हमारा यम्मी सा गार्लिक लच्छा पराठा बनकर रेडी है। चलिए मैं भी आपको इसके परत दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से इसकी सारी परतें निकली हैं। ये देखिए ये कितना फाइन और कितने पतले पतले से और कितने अच्छे से इसकी सारी परत निकले हैं। और यहाँ पर मैंने सारे पराठे को बनाकर रेडी कर लिया है। चलिए अभी इसे साइड पर रख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गाइस हम पापड़ को रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं पापड़ को फ्राई नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रोस्ट कर ले रही हूँ। और ये देखिए ये पापड़ रोस्ट हो चुके हैं, मैं इसे इस तरह से टाकू उसके शक्ल में इस तरह से मोड़ दे रही हूँ। और चलिए ये हमारा पापड़ बनकर रेडी है। नेक्स्ट यहाँ मैं बनाऊंगी रायता। यहाँ मैंने लिया है 200 ग्राम दही, और इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑफ शुगर, 1/2 टीस्पून ऑफ रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ चाट मसाला, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा लगभग 1/4 कप पानी डाल रही हूँ, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे स्मूथ होने तक। और यहाँ देखिए ये स्मूथ हो चुका है। अब मैं डालूंगी इसमें 1 टेबल स्पून ऑफ चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, इसे भी हम मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर मैं 1/2 कप से थोड़ा सा कम बूंदी मिला रही हूँ, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ देखिए ये रायता हमारा बनकर रेडी है। और अब बारी आती है परोसने की। सारी रेसिपीज़ रेडी हो चुकी है, और यहाँ पर मैंने आपको एक से एक और बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपीज़ मैंने आपसे शेयर की है, जो ना सिर्फ जल्दी बन जाती है बल्कि खाने में बहुत ही डिलीशियस होती है। बहुत ही न्यू सी रेसिपीज़ मैंने आपसे शेयर करी है, और यहाँ पर मैं वही अचार सर्व कर रही हूँ जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर दी हुई है। मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूँगी, अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखेंगे। और यहाँ पर ये देखिए ये हमारी प्यारी सी अच्छी सी खूबसूरत सी और बहुत ही डिलीशियस डिलीशियस व्यंजनों से भरी हुई थाली हमारी बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही डिलीशियस होता है, आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, सारे मेहमान आपके तारीफ़ के पुल बांध देंगे। आप ज़रूर बनाइएगा। और आपको मेरी ये थाली की प्रिपरेशन कैसी लगी है, अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लाइक करने से। और हाँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से अच्छी वीडियो मैं आप लोगों की आते रहती हूँ, और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन तक भी मेरी ये रेसिपीज पहुँच सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।